ज़ वेलकम टू फनाटिक्स गेमिंग दिस दिसकान बैक विद द न्यू वीडियो पबजी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पबजी प्लेयर्स के लिए सो so, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ऑलसो ये जो चीज़ है मैं कहीं आर्टिकल उठा के कहीं से भी नहीं बोल रही हूँ ये पबजी मोबाइल का जो भी ऑफिशियल फेसबुक पे, पे पेज है ये वहीं पे ये चीज़ आई आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं और प्लीज़ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ज़रा ध्यान से देखना सो so, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो मैसेज है उन्होंने पोस्ट करा है Dear fans to comply with the interim order of the Ministry of Electronics and IT dated 2nd uh, September 2020 Tencent Games will terminate all service and access for users in India to PUBG Mobile Nordic Map uh, Livik and PUBG Mobile Lite on uh, 30th of October 2020 The rights to publish PUBG Mobile in India will be returned to the owner of the PUBG intellectual property प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा हैज़ ऑलवेज बीन आर टॉप प्रायोरिटी एंड वी हैव ऑलवेज कंपाइल्ड विद एप्लीकेबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशन इन इंडिया सो बहुत सारी जो भी चीज़ लिखी हुई है अब इसका क्या मतलब है आई नो लोगों के मिक्स रिएक्शन है कि क्या हो सकता है कि अच्छी न्यूज़ है ये बुरी न्यूज है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि टेंसेंट से जो है पार्टनरशिप खत्म की जा रही है एट द सेम टाइम यहाँ पे लिखा है कि सर्विसेस जो है वो थर्टीएथ से नहीं होंगी तो क्या बैन हो रहा है कि अनबैन हो रहा है आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लेकिन ऑब्वियसली अगर एक पार्टनरशिप खत्म हुई है और दूसरी पे अगर जाएगी तो थोड़ा टाइम तो वो चीज़ लगेगी अब वो नए वर्जन के साथ आए या कि, किस तरीके से आए वो चीज़ तो खैर बात की बात है तो अब आप कह सकते हो टेंट के साथ पबजी मोबाइल की पार्टनरशिप फाइनली एंड ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और कल से सर्विसेज काम नहीं करेगी लेकिन इसमें साड होने वाली बात नहीं है क्योंकि एट द सेम टाइम आप एक चीज सोचो कि अगर ऐसा होना होता कि PUBG मोबाइल को इंडिया में यहाँ पे वापस नहीं आना होता तो वो पार्टनरशिप इतनी बड़ी कंपनी के साथ कैंसिल नहीं करते और वो ले आते पर अब उन्होंने बोल दिया अब फाइनली आप तो देख ही लिया कि टेंसन से सीधा विड्रॉ कर ली कर लिया उन्होंने सो so, अब ये चीज फाइनल है कि पबजी आएगी तो सही इंडिया में वापस आएगी किसी और पार्टनर के साथ आएगी लेकिन ऐसी चीजों के लिए टाइम लगता है और हाँ सर्विसेज कल से डाउन होंगी आप कोई और गेम खेलना तब तक ट्राई कर सकते हैं लेकिन पबजी इंडिया में वापस जरूर आएगी इस चीज़ से गारंटी हो जाती है बात क्योंकि अगर उनको वापस नहीं लानी होती तो फिर टेंसन से पार्टनरशिप कैंसिल नहीं करते वो यहाँ की नॉर्मली वो सीधा ही बैन हो जाती सीधा सर्विसेज ही रुक जाती लेकिन उन्होंने टेंसेंट की जो भी पार्टनरशिप है यहाँ से कैंसिल की है सो so अब चांसेस हैं कि वो किसी और पार्टनर को लेके आए लेकिन ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है एक पार्टनरशिप हमारा तो खैर इतना लॉस नहीं हो रहा उनका तो ऑब्वियसली बहुत मिलियंस में लॉस हो रहा है मिलियन डॉलर्स में लॉस हो रहा है so, सो उनके लिए तो ये चीज ऐसी है उन्होंने ऑब्वियसली कुछ सोच के इस टाइम पे किया होगा बट कौन से पार्टनर के साथ आता है और कब आता है ये बातें अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएंगी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इस रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज होगी डेफिनेटली मैं इसके ऊपर डालूंगी एंड ऑल्सो आपको पता है थोड़े टाइम में फौजी भी लॉन्च होने वाली है सो जो फौजी है उसकी रिलीज डेट और पबजी के अनबैन डेट जो है ये दोनों चीज़ें जो है आपस में रिलेटेड हैं और ऑब्वियसली किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी कि कब वो चीज़ बैन अनबैन होगी और कब ये रिलीज होगी सो so दैट जो है मैक्सिमम जो गेमर्स हैं वो उस गेम पे आए ऑब्वियसली जो दोनों डेवलपर्स हैं वो यही चाहेंगे पबजी के डेवलपर्स भी और फौजी के डेवलपर्स भी वो दोनों चाहेंगे कि जो है हमारी गेम खेली जाए सो so, उस तरीके से जो है डिपेंड करेगा दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी जो भी अपडेट आएगा लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और नोटिफिकेशन बिल जरूर से प्रेस कर लेना सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट और अगर आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो so प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगता है चैनल को शेयर भी कर देना वी आर वेरी क्लोज टू फिफ्टीन के सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो